हेलो एवरीवन, आई एम सचिन चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल MSIS 360 कवरेज, लर्न द थिंग इन अन डिफरेंट मैनर। करंट न्यूज एनालिसिस हेयर क्रिएटेड बाय मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स शो की एक थॉट के साथ, जो कि हमने लिया है रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता से। कुछ पंक्तियां हमने ली हैं कि समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। अर्थात कि किसी को माफ करना केवल उसी भुजंग का, मतलब यहाँ पे सांप है, उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास विष हो। गरल का मतलब विष हो या जहर हो। वो सांप क्या माफ़ करेगा जिसके खुद के पास दांत ना हो। वो इंसान हर एक के लिए झुकता है जो विनीत हो और साधारण सा या सरल हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम करते हैं शुरुआत आज के करंट अफेयर शो की। चलिए, आज हमारा 11th सेशन है। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसेंटली जर्सी आइलैंड वर इन न्यूज़ ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में जर्सी द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद के कारण खबरों में था। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए यूके एंड फ्रांस, ऑप्शन बी यूके एंड रशिया, ऑप्शन सी रशिया एंड यूएसए, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस एंड स्पेन। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक जानकारी इसमें होने वाली है। 10 सेकेंड का समय आप सभी को दिया जा रहा है, तो आप आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर बताने का वक्त हो चला है। इस क्वेश्चन का आंसर यूके एंड फ्रांस ऑप्शन ए होने वाला है। अभी जर्सी आइलैंड है, ये स्थित कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों देशों के बीच में विवाद क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा, और इन दोनों देशों के बारे में अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी हुई है वो हमको आपको बताएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं चिड़ीमार, माने जाते हैं, काफ़ी लोग को चिड़ीमार कहते हैं, ठीक वैसे ही इस एरिया में जो विवाद बना हुआ है यहाँ पे मछली मार कहना गलत नहीं होगा। और जर्सी जो है, जर्सी आइलैंड का नाम है, हमारे यहाँ पे जर्सी गाय होती है और उसके अलावा हम जिसको पहनते हैं वो भी एक जर्सी कहलाती है, टी शर्ट टाइप की होती है, जर्सी कहलाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप जो सीन देख रहे हैं ये जर्सी आइलैंड का सीन है। इसमें दोनों तरफ आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है, और यहाँ पे नहीं, ये पीछे की तरफ, ये नीला आसमान नहीं है, ये क्या पानी है, ये देखिए, ये भी वाटर बॉडी है। तो एक आइलैंड हो गया, एक टापू है। अब इसको समझने के लिए आपको इस लोकेशन को समझना होगा। ये देखिए, ये इसके सिटी के सीन है, ये सिटी का दृश्य है। एक तरीके से ये अपने आप को कंट्री कहती है जर्सी, और क्यों कहती है वो आपको थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये आपको जो रेड बॉक्स में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये है जर्सी आइलैंड। लोकेशन के हिसाब से तो ये फ्रांस के जस्ट पास में है। फ्रांस से महज ये कितना किलोमीटर की दूरी पे है, फ्रांस से महज ये 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहीं हम बात करें यूके, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ये 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं इंग्लिश चैनल, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है उस जगह का? नाम है डोवर स्ट्रेट। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर देख रहे हैं, चैनल टनल, ये सारा इंग्लिश चैनल कोस्ट, ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ आप सभी के लिए। अब जैसे कि लोकेशन के हिसाब से मुताबिक ये फ्रांस के सबसे पास में है, तो इस पे अधिकार किसका होना चाहिए? फ्रांस का। बट यहाँ पे कहानी कोई और है, कहानी कुछ और है। कहानी ये बयां करती है कि इस पे जो अधिकार है वो इंग्लैंड के महारानी का अधिकार है, इंग्लैंड के महारानी का यहाँ पे राज चलता है। अब हुआ क्यों, हुआ क्या, अब आपको ये और बता देते हैं। ये जो फ्रांस, ये जो लोकेशन है इसमें, ये आप देख सकते हैं बे ऑफ बिस्के, इस जगह को क्या कहते हैं? बे ऑफ बिस्के कहते हैं, जहाँ पे आप गुरन से यूके जर्सी आप देख रहे हो, जहाँ पे
उस एरिया को जो कहते हैं, हम कहते हैं बे ऑफ बिस्के। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है, अब हम बनाते हैं इस कहानी की थीम कि इसमें है क्या। यहाँ पे फ्रांस के मछुआरे जर्सी में, ये जो जगह है, आइलैंड है, यहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं। जब तक ब्रेग्जिट नहीं हुआ था तब तक ब्रिटिशर्स यानी कि यूके को कोई दिक्कत नहीं थी। अब ब्रेग्जिट में हुआ क्या, ब्रिटेन एग्ज़िट हो गया। कहाँ से एग्ज़िट हो गया और किस कहाँ से एग्ज़िट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन एग्ज़िट हो गया यूरोपियन यूनियन से। अब यूरोपियन यूनियन में पहले कितने सदस्य होते थे, 28 मेंबर होते थे, जो कि अब सिर्फ 27 रह गए हैं क्योंकि इसमें से यूके निकल चुका है। यूके को प्रॉब्लम तभी से है जब से ब्रेक्सिट हुआ है। 31 दिसंबर 2020 को एक कार्रवाई हो गई थी, हालांकि इस पर कम से कम 4 साल तक चर्चा का विषय बना हुआ था। अब जर्सी आइलैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ के अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जर्सी आइलैंड के पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे महज 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। जर्सी अपने आप को देश कहती है, बट अपने आप को कंट्री तो कहता है, बट एक प्रोट्रेक्टरेट कंट्री है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्रोट्रेक्टरेट का मतलब होता है ये इंग्लैंड के अधीन आती है, इंग्लैंड के अंडर आती है, क्योंकि इस पर राज किसका चलेगा, यहाँ के महारानी का चलेगा। और सेफ गार्ड भी इस कंट्री को कौन करेगी, यूके ही इसको सेफ गार्ड करेगी। और वहाँ के महारानी जो बैठी हुई है, एलिजाबेथ एंडरसन, एलिजाबेथ टू करा चलता है यहाँ पे। यहाँ कभी जर्सी ने कसम खाई थी ब्रिटेन के साथ कि हमारा जन्म मरण का साथ रहेगा, अगर जिसने भी जर्सी पर कोई भी संकट आया तो उसे कौन बचाने आएगा, उसे बचाने आएगा यूके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रेक्जिट हुआ, जर्सी ने फ्रांस को अलग से फिश कैचिंग का लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि मछली आप पकड़ सकते हो लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी। तो वो क्या कंडीशन है इन्होंने बताई। अब इसमें क्या था, इन्होंने ये शर्त रखी, जर्सी के लोगों ने शर्त ये रखी कि मछली यहाँ पे पकड़ी जाएगी ना, उसमें जो पुराने जो मछुआरे हैं उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा, कोई नया यहाँ पे आया तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बात फ्रांस को नागवारा गुजरी, उनको ये बात पसंद नहीं आई, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस वजह से उन्होंने इस चारों तरफ इन्होंने क्या किया, ये देखो चारों तरफ बोट से घेराबंदी कर दी। ये बोट देख रहे हो सीन, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, चारों तरफ से इस आइलैंड पे घेराबंदी कर दी। वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई, जर्सी के लोगों के लिए। अब इंग्लैंड ने क्या किया, अब इंग्लैंड को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने 140 किलोमीटर की दूर से अपने लड़ाकू ये शिप भेज दी उन्होंने, ताकि वो क्या कर सके, जर्सी को प्रोटेक्ट कर सके। यूके ने 2 लड़ाकू शिप भेज दी यहाँ वहाँ पे। तो फ्रांस को भी बहुत बुरा लगा कि यार गजब बात है, एक तो आप हमें मछली नहीं पकड़ने दे रहे हो, तुम तो सीधे सीधे फ्रांस को चैलेंज कर रहे हो। फ्रांस टोल्ड कि हम भी, फ्रांस ने ये कहा कि हम भी अपना शिप भेजेंगे और बैरिकेटिंग के लिए। फिर फ्रांस ने भी अपना जहाज छोड़ दिया और इस प्रकार यूके और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ गए मछली मारने के लिए एक तरीके से। इन सब के पीछे जो एक कहानी चल रही थी वो अलग ही कहानी चल रही थी। ये है कि वो कहानी ये है कि ब्रिटेन के जो पीएम बोरिस जॉनसन है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे, ये देखिए कितने शानो शौकत से टशन में खड़े हैं ये बोरिस जॉनसन, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाहते थे। और साथ में ब्रिटेन में अभी लोकल इलेक्शन भी होने हैं, समझ रहे हो मुद्दा, पॉलिटिकल एजेंडा इसका। और यही नहीं, ये तो हमने फ्रांस, हमने ब्रिटेन के बारे में बताया। अब फ्रांस का कंडीशन, फ्रांस की सिचुएशन ये है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है जिनका नाम एमुनल मैक्रोन है। एमुनल मैक्रोन ज़्यादा पुराने लीडर नहीं है, 2017 में वहाँ पे आके बैठे हुए थे प्रेसिडेंशियल सीट पे, और अब इनका 2022 में इनका भी चुनाव होना, तो ये कहाँ कम थे। तो इस प्रकार ये आमने सामने आके एक तरीके से स्टेलमेंट बन गया इनका। अब क्योंकि जर्सी फ्रांस से ओनली 20 किलोमीटर फार है, और ये जर्सी में अब होता क्या है, इस जगह पे क्या रहता है, जर्सी पे जो लाइट है, ये जो आप प्लेस देख रहे हो जर्सी, ये वाला सीन ही दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी कौन करवाते हैं, यहाँ के लाइट की अवेलेबिलिटी करवाता है फ्रांस। अब कंडीशन ये बनी कि फ्रांस के जो मैराइन मिनिस्टर है, उन्होंने
खुली चेतावनी दे दी है कि अगर आप हमारे साथ ऐसी कंडीशन लगाओगे, अगर लाइसेंस हमारे नए मछुआरों को रद्द करोगे, तो हम आपकी बिजली काटने जा रहे हैं। 95% बिजली यहाँ से इनको मिल रही थी, तो जर्सी की लाइट काटने जा रहे हैं, इन्होंने ये चेतावनी दी इनको। तो इस प्रकार ये था मुद्दा। तो अपने भी कभी कभी यहाँ इंडिया और श्रीलंका में भी तनातनी चलती रहती है, तो आप सेंटी आप हमें सेंटी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लौट ना लो। दुनिया में ये गजब ही हो रहा है। यहाँ आप देखो, बोरिस जॉनसन टशन में आए हुए हैं। तो इस प्रकार अभी इनका मुद्दा चल रहा है। अभी इनके कब इस चीज़ का जो शॉर्ट आउट, इनका जो मसला शॉर्ट आउट होगा, वो जब भी आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ये देखिए, इन्होंने रॉयल नेवी और फ्रेंच की जो गन बोट हैं, उन्होंने कौन कौन सी भेजी थी, ये सारी लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नॉलेज के लिए इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये एवे ही, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश चैनल यहाँ पे स्थित है। पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखें, तो इस जगह पे रेड कलर में, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर में, ये इंग्लिश चैनल, ये ऊपर वाला हिस्सा यूके का हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का हो गया, और ये नीचे इसका फ्रांस, और साइड में स्पेन लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। और ये आप देख सकते हैं, यूके का मैप है, ये इंग्लिश चैनल आप देख पा रहे हैं, ये फ्रांस है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बायोटेक फर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली मेड द जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे गजब ही बात हो रखी है। निम्नलिखित में से किस देश की एक बायोटेक फर्म ने हाल ही में ही पहली बार अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी जापान। बताइए इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अब वक्त हो चला आंसर बताने का। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, यूएसए इसका आंसर है। अभी यूएसए के साइंटिस्ट अलग ही लेवल पे टेक्नोलॉजी को लेके जा चुके हैं। देखिए, बहुत ही रोचक जानकारी इसमें मिलेगी आपको। देखिए बच्चों, आज क्वेश्चन तो रहेंगे कम, तकरीबन 5 ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ जो बचे हुए जो चीज़ें हैं वो आपको कल संडे को भी अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप बच्चे फेडअप हो जाते हैं काफ़ी इसमें से, स्टूडेंट आप में से। तो अपना लेक्चर 30 से 35 मिनट का ही रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं अमेरिका की ऑक्सीटेक कंपनी। सबसे पहले तो कौन सी कंपनी काम कर रही है? ऑक्सीटेक कंपनी ने पहली बार रिलीज़ किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को, रिलीज़ किया है यूएसए फ्लोरिडा में, और वो भी मेल मॉस्किटो को। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, फीमेल मॉस्किटो को इन्होंने क्या बुरा कर दिया? देखो, मेल और फीमेल मॉस्किटो का क्या फ़र्क है, किस लिए मेल मॉस्किटो को इस चीज़ पे किया है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता क्या है। जो मॉस्किटो पहले जैसा था, जो मॉस्किटो पहले जैसा था, अब वैसा ना रहकर इसके जीन में रिफॉर्म कर दिया गया, जिसके जीन में रिफॉर्म कर दिया जाए या बदलाव कर दिया जाए, उसी को जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब इसको स्वीकृति किसने दी है? इसको स्वीकृति दी है ईपीए ने, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका की है, इन्होंने स्वीकृति दी है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये जो साइंटिस्ट हैं यहाँ के, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को तैयार किया है। क्यों किया है, ये बात अभी आगे आने वाली है, तब तक आप इसके बारे में देख लीजिए। 1970 दिसंबर 1970 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप देख सकते हैं, इसकी एजेंसी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप, इतनी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी आप रीड कर लीजिए। चलिए, ये आप देख सकते हैं ऑक्सीटेक, ये इतने सारे दृश्य जो मच्छरों के हैं, मेल मॉस्किटोज को तैयार किया है। क्यों, इसका मकसद क्या है, वो अभी आपको जानने को मिलेगा, धीरे धीरे सस्पेंस खोलेंगे हम। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को ऐसे तैयार किया गया है, यह देख सकते हैं। अब इस इमेज में आप देख पा रहे हैं दो टाइप के मॉस्किटो हैं, एक एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, एक एडिस एल्बोपिटक पिक्टस। अब एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो होती है, और ये जो एल्बोपिक्टस दिख रहा है वो मेल मॉस्किटो है, ये चीज़ आप जान लो सबसे पहले। तो अब देखिए, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि चाहे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, येलो फीवर हुआ,
उन सबको डिजीज को भाई साहब ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह उसका उसका वाहक बनती है, मतलब वेक्टर बनती है एक तरीके से। ये लेकर उड़ता है प्लास्मोडियम, उस चीज़ को प्लास्मोडियम को लेकर उड़ता है, और वही मॉस्किटो है, यही है जो फीमेल मॉस्किटो है। तो एडीज एजेप्टी फीमेल मॉस्किटो है। कभी भी आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी मेल मॉस्किटो काटता नहीं है, हमेशा फीमेल ही काटती है। समझ चुके हो आप इस चीज़ को? तो ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? मेल मॉस्किटो के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये होगा क्या इसमें, ये जान लीजिए। साइंटिस्ट का क्या मानना है, इसका इलाज ये है कि फिमोल, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या है, देखो फ्लोरिडा वाले एरिया में 4%, 4% जो पॉपुलेशन जो इफेक्टेड है उसमें 100% ये जो ऊपर 4-5 बीमारी बताई है वो वहाँ वहाँ के लोग परेशान हैं चीज़ों से। तो इसका इलाज यही है, साइंटिस्ट ने ये मानना है कि फिमोल मॉस्किटो से बचने का एक इलाज है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेल मॉस्किटो में ऐसा जीन डाल दो कि आगे जब उनकी ऑफस्प्रिंग आए तो अगले जो पीढ़ी आए तो उसमें जो मच्छर हो वो मेल ही पैदा हो। क्या तो मेल पैदा, क्यों मेल काटता नहीं है, या अगर फीमेल पैदा हो तो वो पहले डेड हो जाए, फीमेल मॉस्किटो पैदा होते ही मर जाए और मेल मॉस्किटो बच जाएगा क्योंकि मेल का ये जीन लेकर आएगा। आए समझ में, आए इस कॉन्सेप्ट का मतलब, ये इनका मानना था। तो इस तरह फ्लोरिडा में मॉस्किटो फिनिश हो जाएंगे, ये मानना है किनका, यहाँ के साइंटिस्ट का, जो बायोटेक फर्म इसमें काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कवर होता हुआ, होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो आप लिखिए। वो लिखिए आपके वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब आता है, वर्ल्ड, व्हेन डज वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट, इनका भी डे होता है। अब आप बताएंगे ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आप ये देख सकते हैं मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है, देखिए एग से शुरुआत करते हैं, एग देख रहे हो आप, ये एग क्या करते हैं, हैच करते हैं। सबसे पहले आप ये एडल्ट में इसको मच्छर को देखो, फीमेल मॉस्किटो है, ये अपने अंडे कहाँ पे ले करती है, पानी के ऊपर छोड़ देती है, जहाँ पे जमा हुआ पानी नहीं हो। तो कई बार कुल्लरों में आप नहीं देखते कि लार्वा पैदा हो गए हैं, उसी से तो मच्छर बनते हैं। अब आप देखिए ये एग है, अब इसमें से क्या हुआ, ये हैच हुआ कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक, एग हैच विद इन ए फ्यू डेज टू मंथ व्हेन कवर्ड विद वाटर, ओके। अब ये क्या रहेगा, इससे बनेगा लार्वा, लार्वा क्या करेगा, 5 दिन में पानी के अंदर रहता है, 5 दिन लार्वा से बनता है प्यूपा। ये क्या प्यूपा है, प्यूपा लिव इन वाटर दे डेवलप इनटू, और 2 से 3 दिन और लगते हैं इसको एडल्ट मॉस्किटो बनने में। तो इस प्रकार ये लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, आप देख सकते हैं। ये मॉस्किटो जनित बीमारियां हैं, क्या क्या मच्छरों से बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, इंसेफ्लाइटिस, जिका वायरस, आप तो बच के रहना इन सारी चीज़ों से। ऊपर से एक कोरोना कम था क्या, कि ये भी पीछे पड़ गए हैं। तो इस प्रकार हमारे 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। बताइए कैसा लग रहा है आज का सेशन, आपको साउंड में भी इम्प्रूवमेंट लगेगा, पहले से बेटर लगेगी आपको। चलो बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी बेस्ड ऑन फॉसिल लीव्स, इंडियन मॉनसून 25 मिलियन ईयर्स अगो रिजेंबल्ड विच प्रेजेंट डे कंट्री। हिंदी में पढ़ लीजिए कि जीवाश्म के पत्तों पर आधारित एक हालिया अध्ययन के अनुसार 25 मिलियन साल पहले भारतीय मानसून किस वर्तमान देश जैसा था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसमें से आप एक आंसर है जो सिलेक्ट कीजिए फटाफट। चलिए आंसर बताने का वक्त हो चला, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। आजकल जो भी मेरी क्लास, जो पूरी क्लास देख रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल समझ चुके हैं। आजकल आप, हम 2-3 दिनों से, आपने गौर किया एक चीज़ का कि हम 2-3 दिनों से फॉसिल ही फॉसिल पढ़ रहे हैं साहब, मतलब प्लेंटिनो, जो प्लेंटिनोलॉजिस्ट है उसकी तो रिस्पेक्ट बढ़ा दी हमने। प्लेंटोलॉजिस्ट कौन कौन होते हैं, प्लेंटियोलॉजिस्ट होते हैं, जीवाश्म की स्टडी करने वाले, जो फॉसिल फॉसिल फ्यूल हैं, जो फॉसिल की स्टडी करने वाले होते हैं प्लेंटियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी चांदी चांदी हो रखी है। देख लीजिए आप, हमने डायनासोर जो मेघालय में मिला था उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने हाइड्रोसोर कली पढ़ा जो जापान में मिला था, फिर हमने ये भी पढ़ा कि 78,000 साल पुरानी एक बच्चे का एक बुरियल मिला है, फिर हमने प्रेग्नेंट मम्मी के बारे में बात की कि प्रेग्नेंट जो इजिप्ट में जो मम्मीज होती हैं 2,500 साल पुरानी मम्मी वो मिली। तो इस प्रकार हम देखो फॉसिल के बारे में पढ़ रहे हैं।
अब देखिए 25 मिलियन ईयर का मतलब हो गया 2.5 करोड़ साल पहले। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की पत्तियों एक जैसी क्वालिटी की पत्तियां, एक जैसी पत्तियां हैं, प्लीज उसके ऊपर जो इंडियन मानसून है तो उसका जो अपना जो इंडियन मानसून है कहीं ना कहीं 25 मिलियन ईयर पहले जो ऑस्ट्रेलिया का मानसून था और हमारा इंडिया का मानसून था वो एक जैसा रिजेंबल करता, मतलब एक जैसा था, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी थी। तो इसका मतलब कुछ तो आपका दिमाग जा रहा है अगर किसी ने वैगनर थ्योरी पढ़ी हो तो। तो चलिए एक बार ये बता देता हूँ कि सैंपल कहाँ कहाँ से लिए गए। इंडिया में जहाँ से सैंपल लिए गए लीव्स की, पत्तियों की, तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, आसाम, यहाँ से लिया गया। अब आप कुछ कुछ बच्चे आप में से सोचेंगे कि सर अब तक तो वो जो ये लीव्स थी वो फ्यूल बन जानी चाहिए थी। तो मेरा जवाब ये है कि हर जो पत्ती होती है, लीव होती है, वो फ्यूल नहीं बनती। बड़ी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इंडिया गया था या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास आया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के पास आया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास गया था। तो चलिए इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बारी है समझाने की। ये आप डायग्राम देखिए, अल्फ्रेड वेगनर महाराज हैं। अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन के साइंटिस्ट कह सकते हो, ज्योग्राफिस्ट कह सकते हो, उन्होंने 1912 में एक कॉन्सेप्ट दिया और कॉन्सेप्ट का नाम था पेंगिया। पेंजिया कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? पेंजिया। अब पेंजिया का मतलब होता है ह्यूज लास्ट, ए लार्ज ह्यूज बॉडी ऑफ लैंड, पूरी एक लैंड बॉडी थी बड़ी, कुछ भी नहीं था, सारे ये कॉन्टिनेंट वगैरह कुछ नहीं थे उस समय। एक ऐसा मान लो कि ह्यूज एक बहुत बड़ा एक जमीन का टुकड़ा था और उसके चारों तरफ पानी था और उस पानी को हम कहते हैं पेंथलासा और पेंजिया को हम कहते हैं लैंड, इतना याद कर लो। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से हुआ क्या, जब यही पेंजिया और पेंथलासा ब्रेक हो गए, ये क्या हो गए? ब्रेक हो गए सब। अभी आप देख लीजिए चार डायग्राम है, इसमें से 225 मिलियन ईयर को ये सीन था, ये देखो सारा एक लैंड मास थी, चारों तरफ ये जो ब्लू कलर में पानी है इसको हम पेंथलासा कहते हैं, लैंड को पेंजिया कहते हैं। ऊपर से राइट साइड में, लेफ्ट से राइट आओ, देखो दो हिस्सों में बट गया 150 मिलियन ईयर को। लोरेशिया जो नॉर्थ में चला गया उसको हमने नाम दिया लोरेशिया, साउथ में रह गया उसको हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब देखिए इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अब आप देखिए इसके जस्ट नीचे आप फिर से लेफ्ट में आइए, नीचे के फोटो के लेफ्ट में आइए, उसमें 100 मिलियन ईयर को देखो कम होता जा रहा है, 225 फिर 150 मिलियन ईयर की बात की। अब 100 मिलियन ईयर सगो की जो आप सिचुएशन देखेंगे उसके मुताबिक आप देखिए धीरे धीरे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में, ये देखो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर अफ्रीका है और ऊपर यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया, और इस प्रकार यहाँ पे अर्थ टुडे देख लीजिए अफ्रीका ये इस तरीके से सेटल हो चुका है। तो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब कि हम सारा एक ही ज़मीन का टुकड़ा था, कि कुछ हिस्से अगर मैचिंग मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो एक ही पार्ट था। तो लोरेशिया रीजन तो चला गया यूरेशिया की तरफ, इस प्रकार जब वो चला गया तो इससे क्या बना, ये देखिए ये एक बार आप देख लीजिए, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया एक ही पार्ट होते थे पहले, एक ही पार्ट। इसमें से इंडिया जाके ऊपर इस तरफ चला गया डायरेक्शन की तरफ और इसके जब जाके भिड़ा, इसके जाके जब टकराया तो इसी टक्कर की वजह से क्या खड़े हो गए, फोल्ड माउंटेन, हिमालयन फोल्ड माउंटेन खड़े हो गए, माउंटेन बन चुके बन गए। बिगनिंग में 100 सेंटीमीटर हर साल में ये जो प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, 100 सेंटीमीटर की रफ्तार से टकरा रही थी, मतलब एक तरीके से 100 सेंटीमीटर पहाड़ निर्मित हो रहे थे, इसमें लगातार टकरा रही थी। और अब जाके प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो पर ईयर 40 सेंटीमीटर अभी भी आज भी ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन है उसकी साइज बढ़ रही है, उसकी साइज बढ़ रही है, ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये है कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से आपके सबके समझ में आ गया है। अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो मैंने 5-6 दिन पहले भी बताया था और पिछले 7-8 महीने पहले की बात है कि चाइना ने नेपाल के साथ मिलकर फिर से डिसाइड किया था कि हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेज़र करें और वो हाइट बढ़ी है, मीन्स कि पहले 8848 मीटर हुआ करती थी जो कि अब 8848.50 मीटर हो चुकी है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आज भी हिमालयस बढ़ रहे हैं, हिमालयस की साइज़ बढ़ रही है और हिमालयस को क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। और वेगनर ने तो ये तक कहा कि सभी कॉन्टिनेंट को अगर आपस में जोड़ दो ना तो फिर से एक सिंगल मास बॉडी बन जाएगी। हमने तो उत्तराखंड के अर्थक्वेक को समझा, याद कीजिए थोड़े दिनों पहले, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट आया है,
प्लेट टकराने का, जब यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकरा रही है, जब हम कहते हैं कि भाई ब्रेकिंग ऑफ पेंगजिया, तो यूरेशिया नॉर्थ में चला गया और गोंडवाना साउथ में रह गया। तो इंडियन प्लेट आप देख सकते हैं, इंडिया प्लेट मेडागास्कर के साथ, और ये जो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सभी एक ही पार्ट होते थे। तो हम अब शिफ्ट हो चुके हैं नॉर्थ की तरफ। तो ये है कॉन्सेप्ट आज का, इस क्वेश्चन की कहानी ये है। अब आपको मैं थोड़ा सा और, अब थोड़ा ये देखिए डायग्राम, इसमें भी देख लीजिए एक बार। अब कई जगह पे क्या हुआ है, देखो कई जगह पे वेजिटेशन, कोई लीव सेम आ रही है, कई जगह स्पीसीज सेम निकल रही हैं। अब आप ये सारा देख लीजिए, पूरा इंडिया में आप फॉसिल एविडेंस ऑफ द ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल लाइस्ट्रोसोरस में यहाँ पे मिला है, ऑस्ट्रेलिया में ये फॉसिल ऑफ द फर्न ग्लैस्टोपर, ये आप रीड कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट खुद से आप, ये आपको मैं नॉलेज के लिए लेके आया हूँ। ये है देखो, अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं ऐसे, इस टाइप की अलग अलग ये होती है टाइप्स ऑफ लीव्स। लीनियर इसको कहते हैं, पिनेट किसको, पैरेलल किसको कहते हैं, सिंपल लीव्स। हमने अल्टरनेट और अपोजिट वाली तो खूब देखी हुई हैं, ये डिनाइट, डेंड्राइट, क्रिनेट और डेंटेट भी हमने खूब देखी है। तो ये अलग अलग टाइप हो गए इसमें, लीव्स के टाइप हो गए। अब ये न्यूज़ के बारे में पढ़ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ फॉसिल लीव्स फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल एज कलेक्टेड फ्रॉम डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंस, ईस्ट गारो हिल्स ऑफ मेघालय, गुरामाइन इन राजस्थान एंड मैकुम कोलफील्ड इन आसाम वर एनालाइज्ड। तो ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैटर में लेके आया हूँ, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट पर ले सकते हैं। अब जैसे मानसून की बात हुई है, तो आप मानसून को मैं विस्तार से आपको कभी अलग से बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको बस एक दिखा देता हूँ कि ये मानसून हमारे साउथ वेस्ट मानसून होता है जो नॉर्मली आता है। देखो 1 जून को हमारे यहाँ पे केरला में सबसे पहले मानसून पहुँचता है ऑन एवरेज, फिर ऊपर शिफ्ट होता जाता है, फिर आप देखो ये पणजी गोवा की तरफ 5 जून को पहुँचा, फिर 10 जून को ये मुंबई वाले इलाके में आ गया, 15 जून, 1 जुलाई को फिर हमारे राजस्थान में, फिर जुलाई के आसपास आता है। तो इस प्रकार रिट्रेटिंग मानसून भी बताऊँगा मैं आपको, बिल्कुल सारी बातें बताऊँगा। तो ये आप एक डायग्राम है, इसके आप समझ सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का मैप और देख लीजिए, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देखो नॉर्थ टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, विक्टोरिया इंग्लैंड में भी है, बट ये रानी विक्टोरिया की वजह से यहाँ पे रखा गया है, तस्मानिया इसके बीच में, तस्मान सी है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया का एक और मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साउथ में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं इसको, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बाइट यहाँ पे, जैसे बर्गर था इसको किसी ने काट के खा लिया हो, इस तरफ से पिज़्ज़ा वाली से आ रही है इसकी। कोरल सी देख सकते हो, अरोफुरासी नॉर्थ में है ऑस्ट्रेलिया के, सिडनी है, तस्मान सी है, विक्टोरिया है, तस्मानिया है, ग्रेट ओशियन रोड, ये मेलबोर्न कहाँ पे स्थित, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये मैप अवेलेबल आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली मोर देन 100 सील्स वर फाउंड डेड ऑन विच वाटर बॉडीज कोस्ट, हाल में ही किस जल निकाय के तट पर 100 से अधिक सील मरी हुई पाई गई। ऑप्शन ए ब्लैक सी, ऑप्शन बी अरल सी, ऑप्शन सी कैस्पियन सी, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक सी। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी इसका आंसर है। देखिए कभी भी क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि, वही बात है देखो, मैं हर बार ही बता रहा हूँ आपको कि कभी भी ये नहीं पूछता कि कौन सी स्पीसी कहाँ पे मर गई, बट मेन चीज़ ये है कि वो इवेंट हुई कहाँ पे है, बस उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन बना लेंगे। अभी कैस्पियन सी के बारे में कुछ दे देंगे, तो सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि अभी देखो सीन देखिए आप, ये मरी हुई सील्स हैं, नियरली 170 सील्स फाउंड डाइड, 100 से भी ज़्यादा मर चुकी हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं यूपीएससी में, अब ये पूछ लेंगे कि जो सील्स होती हैं ये जिस पर आप दृश्य देख रहे हैं, ये बर्फ़ में के नीचे से निकलती है और बाहर आती है, पानी में रहती है हालांकि, लेकिन ये बर्फ़ के नीचे से निकल के ऊपर आती है, इनको कैसा स्टेटस मिला हुआ है, इंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ IUCN रेड डाटा बुक के हिसाब से, ठीक है जी। पीपल क्लेम दैट रशिया इज रिस्पॉन्सिबल एज रशिया स्प्रेड लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन वोल्गा रिवर ड्यू टू दैट सील डाइड, लोगों का मानना ये है कि रशिया जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो कैस्पियन सी है इसमें वोल्गा रिवर जो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है उसका पानी इसमें आता है, और रशिया ने क्या किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे जो उनके अवेलेबल है, उस वजह से इसमें दूषित पानी आता है, पोल्यूटेड वाटर वोल्गा रिवर के थ्रू यहाँ पे आता है, तो इस वजह से सील मर गई है, ये मानना है। अब मेन बात यह है कि अब देखो ये इसकी कंडीशन देखिए आप, ये कंडीशन बनी हुई है इस लेक की,
इस लेक की कंडीशन ये बनी हुई है। तो अभी बात ये है कि इस लेक में पोल्यूशन है, क्या है पोल्यूशन की वजह से इसका कलर देखो कितना ख़राब कलर हो गया है इसका। 1960 से लेके 2020 60 सालों में इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। पहली बात तो ये क्या है, इसके बहुत ही कंजेस्टेड हो गई है, इसकी बहुत ही डिस्टेंस कम हो गई एक तरीके से, इसकी डिस्टेंस कम हो गई है, बहुत ही कंजेस्टेड हो गई है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए हर साल इसका वॉल्यूम कम हो गया है इसका। अब ये कैस्पियन सी है, एक तरीके से कहने को सी है बट ये एक लेक है, एक तरीके से झील है, क्योंकि सी समुद्र वो होता है जिसका पानी दूसरी समुद्र के साथ मिलता हो, एक रूल होता है। अब कैस्पियन सी में किस किस के कौन से कंट्री के बॉर्डर लगते हैं वो याद कराना मेन चीज़ है, वो बताऊँगा, उसके ट्रिक भी बताऊँगा। देखिए नॉर्थ में अगर हम बात करें तो रशिया देख लीजिए, उसके जस्ट नीचे अजरबैजान, उसके जस्ट नीचे ईरान, एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। अब ईरान के इस तरफ आप आओ तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के इस तरफ आप आओ ईस्ट में, मतलब कैस्पियन सी के ईस्ट में कजाकिस्तान, 5 कंट्री बताइए, बराबर है। अब इसके ट्रिक कैसे बनेगी, कराती, KRATI, कराती, कराती, KRATI, कराती, क्या कराती, ट्रिक कराती, तो KRATI, K4 कजाकिस्तान, R4 रसिया, KR करा, A4 अजरबैजान, T4 तुर्कमेनिस्तान, I4 ईरान, कराती, कजाकिस्तान, KRATI, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड I4 ईरान, एज ईजी एज दैट, बताइए आसान है। तो वैसे समुद्र ना होकर ये हमने सारी बातें बता दी आपको कि बोलकर ये इसमें पानी लेके आते हैं, 1960 से एक तरीके से कंजेस्टेड हो चुकी है जगह काफ़ी, पानी इसका वॉल्यूम कम हो गया है। हाँ, इसका एक मेजर सोर्स और बता दूँ आपको, मेजर सोर्स इसका ये है कि जो रशिया से जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी भी इसमें आता है, तो थोड़ा बहुत इसमें पानी इतना ज़्यादा भी नहीं सूखा है, बट पहले से इसका वॉल्यूम ज़रूर कम हुआ है। वोल्गा जो सबसे बड़ी नदी है यूरोप की, यूरोप जिसको यूराल माउंटेन दो हिस्सों में बांटता है, एक हिस्सा रशिया को यूराल माउंटेन दो हिस्सों में बांटता है, रशिया को लेफ्ट में वेस्ट में यूरोप और ईस्ट में एशिया, जिसको हम यूरेशिया कहते हैं। हमने अब देखिए एक चीज़ जो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि ये जो पानी दूषित क्यों हो रहा है, अभी लेक के बारे में हमने 4-5 दिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो उस पर फोकस कीजिए। मैंने आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जब पानी के ऊपर काई जैसी जम जाती है, जो कि सारे पानी को ऐसे ग्रीन चादर के रूप में उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर देती है, और एल्गी जब उसके ऊपर चारों तरफ फैल गई है तो इस वजह से सनलाइट है वो पानी के अंदर पास नहीं हो पाती। जब सनलाइट पानी के अंदर पास नहीं होगी तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इस ऑक्सीजन के अभाव के कारण मछलियाँ या फिर और भी एक्वेटिक एनिमल है वो मारे जाते हैं, ये इसका कारण है। और इसी प्रोसेस को एल्गल ब्लूम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एल्गी फैल चुकी है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के एफर्ट लगाए गए कैस्पियन सी की रक्षा करने के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें था वो था तेहरान कन्वेंशन। अब इसमें आप देख लीजिए, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द कैस्पियन सी, साइन कब हुआ था, नवंबर 2003 में साइन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट कितनी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ हैं उसमें, कौन कौन है, अजरबैजान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तुर्कमेनिस्तान, वही कंट्रीज़ के नाम है, यही 5 कंट्रियों ने साइन किया जो इसके बॉर्डरिंग है। कराती कर सकते हो, कराती कर लोगे या करवाऊँ, कराती, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। एक एग्रीमेंट और आया था 2018 में, उसकी इमेज यहाँ पे लाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, अकटाऊ उस एग्रीमेंट को कहते हैं, अकटाऊ एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था इन्हीं 5 कंट्रीज़ में। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब तो हम कैस्पियन को जैसे 1960 में जो कंडीशन जो शानदार कंडीशन थी वैसा हम ला के छोड़ेंगे, ओरिजिनलिटी में ला के छोड़ेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। इतनी चीज़ें इसमें थी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली होलोग गिबोन्स वर इन न्यूज़, व्हाट आर दीज, हाल में ही हेलो गिबन खबरों में थे, ये क्या है, ऑप्शन ए स्पाइडर, ऑप्शन बी एप्स, ऑप्शन सी डायनासोर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देबो, बताइए आंसर इसका क्या होने वाला है। होलो गिबोन्स क्या है जो खबरों में बने हुए थे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने का वक्त हो चला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, एप्स। ये होते क्या हैं, बंदरों की प्रजाति होती है, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, ये देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहा है, यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे हो रहा है एकदम स्टंट मैन। अब ये देखिए, ये इसी प्रजाति का, देखो इसको कहते हैं सियामंग,
कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड के इसमें आता है, मिलता कहाँ पे है, सुमात्रा आइलैंड जो इंडिया के ईस्ट में, ये मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया थाईलैंड वाले इलाके में मिलता है। ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में रीड कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। एक तो देखो ये तो हो गया ईस्टर्न सियामंग और ये हो गया वेस्टर्न होलोक गिबोन। अब इसका भी जो स्टेटस है, जो रेड बुक डाटा IUCN का रेड बुक डाटा में जो इसका स्टेटस बना हुआ वो इंडेंजर्ड करके है। इनको वाइट ब्राउड गिबोन्स एंड हुलुक गिबोन्स कहते हैं, ये डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश और म्यांमार और तिब्बत में ये वाले मिलते हैं, वेस्टर्न हुलुक गिबोन मिलते हैं, जिसका भी क्वेश्चन में चर्चा बनी हुई है। ये सिर्फ एकमात्र ऐप्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया के आस पास वाली कंट्री, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाली कंट्री होगी सारी। ओके, अब IUCN के बारे में पिछली बार भी आपको मैंने दिखाया, तो आप इस बार एक बार फिर से देख लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी पायोनियरिंग नेचर सॉल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस ये है। अब रेड लिस्ट डाटा कैटेगरी एक बार फिर से, इस बार मैं एक्सटिंक्ट करके इसमें सारी चीज़ें लेके आया हूँ, इसमें एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है वो इस ये वाला ज़्यादा बेटर है, तो आप देख लीजिए एक्सटिंक्ट में कौन कौन सी आती हैं। फिर ये थ्रेटेंड में है, फिर लिस्ट कंसर्नड में है, जो विलुप्त हो जाता है उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको डोडो पक्षी का एग्जाम्पल दिया था, जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका, जो कहाँ पे मिलता है, डोडो मॉरिशियस में मिलता था पहले, मॉरिशियस कंट्री में मिलता था, जो गायब हो चुका है, वो इंडोनेशिया में और मॉरिशस में भी था, वो इंडोनेशिया में भी था, इंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल, ये कैटेगरी हैं अलग अलग टाइप की, आप ये देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टाइप करना मैं भूल गया थोड़ा सा, तो आप इम्पोर्टेंट डेज का ये रहेगा कि इम्पोर्टेंट डेज जो 7 मई है, जो कल का इम्पोर्टेंट डे था, वो वर्ल्ड एथलेटिक डे था, वर्ल्ड एथलेटिक डे। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक डे वर्ल्ड हेल्थ डे के ठीक एक महीने बाद आता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है, और 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, इस वजह से वो सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को है। वहीं पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का शो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो सबमिट होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू सबमिट होमवर्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव ए स्टरिंग सैटरडे।